फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, बॉडी को हर काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और थायमिन यानी कि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा थायमिन का मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व सिग्नल्स के ट्रांसमिशन और डाइजेशन प्रोसेस में भी बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे में अगर बॉडी के अंदर थायमिन की ही कमी हो जाए तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस रुक जाते हैं, तब एक बेहद खतरनाक सिचुएशन अराइज होती है। इस सिचुएशन को नाम दिया गया है बेरी बेरी डिजीज। फ्रेंड्स, वैसे तो हम जो कुछ भी इंटेक करते हैं उनमें से ज़्यादातर फूड्स थायमिन रिच हैं, पर आज बेरी बेरी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि बेरी बेरी का खतरा किन लोगों को रहता है, ये कितने तरह का होता है, कौन सा बेरी बेरी ज़्यादा खतरनाक है, इस बीमारी को हम कैसे पहचान सकते हैं और इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेरी बेरी का खतरा किन लोगों को रहता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर है अल्कोहल एब्यूज। एक्सेस अल्कोहल बॉडी को फूड से थायमिन अब्सॉर्ब करने से रोकता है, इसलिए अल्कोहलिक पर्संस में बेरी बेरी का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। कुछ लेडीज में प्रेगनेंसी के दौरान एक्सेस वोमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है, इस कंडीशन को हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, इन्हें भी बेरी बेरी का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तीसरा, ब्रेस्ट फीड बेबीज। ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चों को बेरी बेरी का खतरा हो सकता है अगर उनकी माँ को थायमिन डिफिशियंसी है तो। ये उन बच्चों में भी हो सकता है जो फार्मूला मिल्क पर डिपेंड रहते हैं। चौथा, बेरी बेरी अक्सर उन लोगों में देखा गया है जो डाइट में राइस या फिर हाईली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लाइक पिज्ज़ा, पास्ता, वाइट ब्रेड, पेस्ट्री, वाइट फ्लोर या फिर स्वीट डिज़र्ट लेते हैं, और कुछ केसेस में बेरी बेरी जेनेटिक भी होता है, हालांकि ये काफ़ी रेयर है। इसके अलावा बेरी बेरी का खतरा सीनियर सिटीजन्स में डायबिटिक, HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स, कैंसर पेशेंट्स या फिर जिनकी बायोयूरेटिक सर्जरी हुई है उन लोगों को भी रहता है। बेरी बेरी दो तरह का होता है, वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। अब चूंकि वेट बेरी बेरी डायरेक्टली हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है, तुरंत इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। बेरी बेरी ड्राई बेरी बेरी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिस वजह से मसल्स कमजोर हो जाती हैं और सीवियर केसेस में मसल पैरालिसिस भी हो सकता है। हार्ट बीट्स का बढ़ जाना, सांस लेने में तकलीफ, बोलने में तकलीफ, मेंटल कन्फ्यूजन, चिड़चिड़ापन और मसल्स कमजोर हो जाना। दोस्तों, ये कुछ जनरल सिम्टम्स हैं जिसके बेस पर आप बेरी बेरी का अंदाजा लगा सकते हो, पर याद रहे कन्फर्मेशन टेस्ट हमेशा डायग्नोसिस के बाद ही होता है।